ये देखो, ये मजा आ रहा है, ये मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे बोलो, ये मजा आ रहा है, ये मजा आ रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्री, आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है गाइस। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा ब्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं जा रही हूँ नैन्सी के घर। नैन्सी मतलब मन सुंदर की जो हमारी हीरोइन है रूही, और जो मेरी ऑन स्क्रीन बहू है उसके। हमारा शूट था वैसे तो 9:30 बजे। ऐसे हम प्लान कर रहे थे कि अगर हम जल्दी पैकअप हो जाता है तो हम बैंड स्टैंड चलते हैं घूमने। तो उसने बोला क्यों ना, बहुत दिनों से वो सोच रही थी पजामा पार्टी ऐसे करते हैं, तो कभी टाइम मिल ही नहीं पाता था। तो क्योंकि अभी हमारा सेट थोड़ा दूसरी जगह पे गया है तो हमारे पास थोड़ी फुर्सत हो जाती है। इतनी खुशी फिर ऐसा हुआ कि दादी बोली ओके मैं भी चलती हूँ, रूही बोले क्यों ना मेरे घर पे मिलते हैं और हम सब साथ में डिनर करते हैं। तो रूही है अपने घर पे और मुझे जो कुछ थोड़ा ऑर्डर करना था वहाँ से, मैंने बोला तू वहाँ से खाना लेके अपने घर पे जा। गोरेगांव में एक रेस्टोरेंट है नमो, जिसका खाना मुझे बहुत पसंद है। रूही और दादी वहाँ से खाना पिक करके अपने घर पे गए, मतलब रूही के घर पे। अभी दादी जो मेरी सासू माँ बनी है रेशमा जी, वो है। मैं आ गई थी अपने घर, थोड़ा सा मैं फ्रेश हो गई और मम्मी ने जो बनाया था परवल का चोखा, मैं दिखाऊंगी वो वीडियो आप लोगों को। तो परवल मुझे भी पसंद है, परवल नैन्सी को भी बहुत पसंद है, दादी उतना नहीं खाती है। तो वो भी मैं लेके अभी अल पड़ी हूँ रूही के घर के लिए। और रूही मेरे घर से बहुत पास में रहती है, ऐसे 20-25 मिनट की दूरी पे रहती है बाय कार। तो ऐसा है कि थोड़ा धमाल करेंगे 2-3 बजे तक, उसके बाद अपने अपने घर आ जाएंगे। और नैन्सी का कल जल्दी कॉल टाइम है तो उसको सुबह सुबह जाना है, तो नींद आएगी तो सो भी जाएंगे थोड़ा वहाँ पे। और मैं एक्साइटेड इसके लिए हूँ कि एकदम इंस्टेंट प्लान है ये, और मुझे लगता है मुद्दतों बाद मैं ऐसे कहीं मस्ती करने के लिए जा रही हूँ। तो बाकी सारे एक्टर तो नहीं है, बट मैं, रूही और दादी और छोटा ब्लॉग मैंने इसके लिए कहा कि हम थोड़ा बैठ के मस्ती करेंगे गाइस। तो कंटिन्यू मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, पर हाँ थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं इसमें ज्वाइन कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और ये खूबसूरत पल हमेशा की तरह और हमेशा के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर एक अच्छी यादों की तरह संजो के रखें। मुझे समझ भी नहीं आ रहा ये कौन सा अक्टूबर का महीना चल रहा है, मतलब अभी आज हो गया 15 तारीख, क्योंकि 12 बजने ही वाला है तो 15 तारीख पकड़ ही लो। हो सकता है ब्लॉग आपको कल ही मिल जाए या परसों तरसों तक। बारिश क्यों हो रही है अक्टूबर में यार, ये कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा अक्टूबर महीना चल रहा है। बने रहो, मैं आती हूँ उसके घर पहुँच कर। कितना टेस्टी दिख रहा है। मैं आ चुकी हूँ रूही के घर, आते ही मैं आ चुकी हूँ सीधा इसके किचन में। और मैं जो घर से खाना लाई थी ये देखो, ये मजा आ रहा है, ये मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे बोलो, ये मजा आ रहा है, ये मजा आ रहा है। और आज कोई डाइट नहीं, घर का खाना। और मेरा, जैसे कि मैंने बोला कि गोरेगांव में एक रेस्टोरेंट है नमो, उसका खाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं फर्स्ट टाइम दादी को और रूही को खिलाने वाली हूँ। तो खाना खाने के बाद ये लोग बताएंगे, खाने के बाद हम इसका रिव्यू बताएंगे। हाँ, और बाकी मम्मी के हाथ का खाना तो ऑब्वियसली बात है अच्छा लगेगा। परवल मुझे और रूही को पसंद भी है, ये बुढ़िया को परवल नहीं पसंद, हम इसको देने वाले भी नहीं। नहीं, परवल खाती हूँ, उसके बीज नहीं खाते। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार, हम तो बीज ही खाते। अच्छा, कमेंट से बताना आप लोगों में से ऐसे कौन कौन है जिसको करेला और परवल की बीज पसंद है, क्योंकि मैं परवल वही लेती हूँ जिसमें ना बीज भर भर के होता है। तो बस अभी लेके बैठते हैं, अगर मन करेगा तो दे देंगे। वैसे अचार विचार नहीं तो बांध रखा है हमें। गाइज, मैंने जैसे कि कहा कि कंटिन्यू मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटे छोटे पल में ऐड करूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं मस्ती करने के लिए। तो आई होप आप ये बात समझोगे, तो कंटिन्यू बने। तो फाइनली हम खाना खा चुके हैं, और कैसा लगा खाना?
खाना बहुत टेस्टी था, स्पेशली पनीर कोफ्ता हमने खाया जो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था, तो वो बहुत ज्यादा। और परवल का चोखा, अरे पर एक ही करके रिव्यू दूंगी ना। अच्छा पहले पनीर कोफ्ता का रिव्यू, पनीर कोफ्ता बहुत टेस्टी था, मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम पनीर कोफ्ता खाया, मुझे पता भी नहीं था पनीर का कोफ्ता भी बनता है। और हमने खाया बंगाली खाना, परवल का चोखा, आलू पर चिप्स टाइप का कुछ फ्राई था, आलू भाजा बोलते हैं उसको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। चावल था और भिंडी का भुजिया था सोचे, और नमक का जो सोयाबीन चिल्ली, सोयाबीन चिल्ली कैसा था, सबसे बेस्ट था। मुझे वैसे सोयाबीन खाना मानोगे नहीं, इतनी भूख लगी थी, हम ना भुक्कड़ों की तरह खाए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिनों बाद ना ऐसे बैठ के साथ में खाए। और ये दादी देगी रिव्यू, दादी कैसा लगा बताओ। सोयाबीन चिली जो था वो एक्चुअली जो नॉन वेजिटेरियंस नहीं है या जिनको नॉन वेजिटेरियन में चिकन चिली वगैरह पसंद है उनके, तो वेजिटेरियंस के लिए ये ऑप्शन दी बेस्ट खाना। बाकी खाना तो पेट भर गया वरना और थोड़ा खाना। चलो और अब बारी है, हम खेलने जा रहे हैं लूडो। लूडो अब मैं ब्लॉग यहाँ पे खत्म तो नहीं कर रही हूँ लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए गायब हो रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो कि गाना बजाते हुए हम लूडो खेलेंगे और वही है कि लड़कियाँ जब आपस में बैठती हैं तो यू नो थोड़ा गपशप और मेरे पास तो बहुत मसाला होता है। हे गाइस, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा 2 बजे।